जब हम पेंटिंग करते हैं या हमारे घर में छोटे बच्चे पेंटिंग करते हैं तो वो ब्रश को उसी टाइम नहीं धोते, साफ़ नहीं करते, तो जिसकी वजह से ब्रश के ब्रिसल्स जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और ब्रश यूज़ करने लायक नहीं रहता और हम ब्रश को फेंक देते हैं कि ये ख़राब हो गया और नए लेने लगते हैं। लेकिन अगर हम इनकी थोड़ी सी केयर करें, इनको अच्छे से साफ़ करें, तो ये ब्रश फिर से यूज़ करने लायक बन जाते हैं, इसके ब्रिसल्स फिर से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने पेंटिंग ब्रश को कैसे साफ़ करती हूँ। जब भी बच्चे पेंट का काम करते हैं तो उनके हाथों पर भी पेंट लगा होता है और वो ब्रश के ऊपर लग जाता है, जिससे ब्रश काफ़ी गंदे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है नेल पॉलिश रिमूवर और कॉटन पर मैंने नेल पॉलिश रिमूवर लगाकर ब्रश को पीछे से साफ़ कर लिया है, जिससे कि उसके ऊपर लगा हुआ सारा कलर निकल जाएगा। जब भी कोई पेंटिंग का काम करते हैं तो हमें उस टाइम लगता है कि हम ब्रश को बाद में अच्छे से धो लेंगे, लेकिन बाद में हमें ख्याल नहीं रहता और वो ब्रश वैसे का वैसा ही पड़ा रह जाता है। तो इसी तरह से हम सारे ब्रश को पीछे से साफ कर लेंगे, जितना भी उसके ऊपर पेंट लगा हुआ है वो सारा निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने नेल पॉलिश रिमूवर कॉटन पर लगाकर ब्रशेस को ऊपर लगा हुआ सारा कलर उतार दिया है। तो अभी हम ब्रशेस को धो लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें एक सैशे शैम्पू का डाल लेंगे। आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में जो भी शैम्पू हो आप वो ले सकते हैं। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और इसे घोल लेंगे और फिर इसमें सारे ब्रश सोक करके रखेंगे ताकि इनके ब्रिसल्स जो हार्ड हो चुके हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और साथ ही साथ इनके ऊपर जो पेंट लगा हुआ है वो भी निकल जाए। तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इनको इसी तरह से गर्म पानी में डिप करके रखेंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं ब्रशेस को सोक करके रखे हुए। तो अभी हम एक एक ब्रश लेंगे और उसे हाथ पर चलाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी पेंट फंसा हुआ है, जमा हुआ है, वो निकल जाए और साथ ही इसके ब्रिसल्स भी सॉफ्ट हो जाए। तो आप इस तरह से नेल्स से भी पेंट को उतार सकते हैं और एक एक ब्रश को हम इसी तरह से करते जाएंगे और अलग रखते जाएंगे। तो गर्म पानी में डालने से, शैम्पू वाले गर्म पानी में डालने से इसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ ही जो पेंट भी बीच में लगा हुआ है वो भी निकल जाएगा।
तो इस तरह से ब्रिसल्स के अंदर तक पेंट जम जाता है। वैसे तो हमें उसी समय ब्रशेस को धोकर अच्छे से रखना चाहिए, लेकिन कई बार रह जाता है जिसकी वजह से ब्रश खराब हो जाते हैं। सारे ब्रश मैंने अच्छे से साफ कर लिए हैं, इनके अंदर जो भी पेंट जमा हुआ था वो भी निकाल दिया है और इसके ब्रिसल्स भी सॉफ्ट हो गए हैं। सारे ब्रश साफ करने के बाद एक बार फिर से हम इन ब्रशेस को गर्म पानी में 15 मिनट के लिए डिप करके रख देंगे ताकि इनके ब्रिसल्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, फिर से पहले जैसे ब्रश हो जाएं। तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल पहले जैसे ब्रश जैसे हम मार्केट से खरीदते हैं वैसे ही हो गए हैं। सारे ब्रश एकदम से अच्छे से साफ हो गए हैं। तो अभी हम इनको एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। तो अगर आपके बच्चों ने भी पेंटिंग ब्रश इसी तरह से हार्ड करके रख दिए हैं तो आप उन्हें फेंकने की बजाय इसी तरह से साफ करें और फिर से यूज करने लायक बनाएं। आपको पेंटिंग ब्रश साफ करने का ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो लीजिए, सारे पेंटिंग ब्रश फिर से सही हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ।